कंटिन्यू विथ एएनएस अगोनिस्ट ड्रग्स। एएनएस अगोनिस्ट से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा बीटा अगोनिस्ट के पहला सीरीज। अभी मैं बीटा अगोनिस्ट में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर मुझे देखना है, दैट इज आइसोक्सुप्रीन एंड रिटोड्रीन। ठीक है, आइसोक्सुप्रीन। आइसोक्सुप्रीन एंड सेकेंड ड्रग सेम सीरीज में है, रिटोड्रीन। आइसो वर्ड सुनते आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। आइसो सुनते, आइसो मतलब क्या, आइसोप्रोपाइल कैसे दिखता है, CH3, CH3 यहाँ पे अटैचमेंट पॉइंट होता है। ठीक है, CH3, CH3। लेट्स स्टार्ट। आइसोक्सुप्रीन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा फिनॉल। फिनॉल ले लिया OH। फिनॉल पे क्या अटैच करूँगा, फिनॉल पे CH OH। नेक्स्ट, अगर ये आइसोप्रोटिनॉल होता तो मैं करता CH2 देन NH, बट आइसोक्सुप्रीन है, इसमें एक चेंज आएगा इसलिए इसको अलग सीरीज में हमने रखा है। यहाँ पे CH2 के बजाय खाली CH आएगा और उसके ऊपर एक और कार्बन आता है CH3। ये कार्बन नहीं था आइसोप्रोटिनॉल, दिस कार्बन वाज मिसिंग इन आइसोप्रोटिनॉल। यहाँ पे होता था CH2, बट यहाँ पे चेंज मैंने क्या किया, आइसोक्सुप्रीन में खाली क्या चेंज हुआ एज कम्पेयर टू आइसोप्रोटिनॉल, ये CH2 के बदले CH एंड ऊपर एक CH3 आ गया। एंड देन आप आइसोप्रोटिनॉल याद करो तो उसमें क्या आता था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आता था NH के बाद, तो यहाँ भी मैं वही ड्रॉ करूंगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 CH। यहाँ चेक करो चेंज हो गया CH2। और क्या मेरे को ऐड करना है अब यहाँ पर, OX फिनॉक्सी। फिनॉक्सी मीन्स व्हाट, फिनाइल रिंग अटैच टू ऑक्सीजन। तो इतना पार्ट है फिनॉक्सी, इसको हम बोल रहे हैं आइसो प्रोफाइल। क्लियर, और ये आपका नॉर्मल फिनॉल, दिस इज नॉट कैटेकॉल, दिस इज फिनॉल। नेक्स्ट, रिटोड्रिन में क्या क्या चेंज करना है ध्यान देते हैं। सेम पैटर्न, नीचे OH, ऊपर CH, OH, CH, NH, इस CH के ऊपर क्या आएगा CH3। आइसो प्रोटीन होता तो यहाँ पे CH3 नहीं आता, यहाँ पे CH2 होता। नेक्स्ट, उसके आगे क्या करूँगा मैं, उसके आगे अब दो कार्बन और ऐड होगा। एक देखो, ये वाला कार्बन मैंने गायब किया, इसमें ये वाला कार्बन गायब करके CH2 CH2। अब इस रिंग को आपको फ्लिप करना है, यहाँ पे O देन फिनाइल रिंग आता था, अब आएगा पहले फिनाइल देन O, तो O को बैलेंस करने के लिए आई नीड H। ये फिनॉल पार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका रिटोड्रिन, आइसोक्सुप्रीन रिटोड्रिन। ठीक है, ये यहाँ पे बीटा अगोनिस्ट खत्म होते हैं हमारे। बीटा अगोनिस्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं, बीटा अगोनिस्ट के बाद वी आर गोइंग इनटू अल्फा अगोनिस्ट ड्रग्स। सो एएनएस में ही नेक्स्ट सीरीज इज अल्फा अगोनिस्ट। नेजल डी कंजेस्टेंट, जो आपको जब सर्दी होती है तो जो नेजल कंजेशन होता है उसको भगाने के लिए जो ड्रग्स होते हैं वो सीरीज अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो ऑट्रिविन, ऑट्रिविन जो आपका ब्रांड है, जो ऑट्रिविन, उसको एक बार जाके चेक करो उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, तो आपको यहाँ वो मॉलिक्यूल दिखने वाला है। ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ड्रग इन दिस सीरीज, जिसका नाम है नेफा जोलिन। अब जोलिन अपन ने बहुत बार देखा है, जोलिन मतलब क्या, जोलिन मतलब इमिडा जोलिन आता होगा, याद रहा है इमिडा जोलिन मतलब क्या, ये रहा एन देन एन एच, डबल बॉन्ड एक रहेगा, दोनों डबल बॉन्ड तो हो जाता है इमिडाजोलिन, एक ही डबल बॉन्ड है तो मैं बोलूंगा इमिडाजोलिन। ठीक है, इमिडाजोलिन, ये सेम फीचर भी आने वाला है। सो इमिडाजोलिन में क्या होगा, नेफाजोलिन में, बाय द वे नेफ क्या इंडिकेट कर रहा है, नेफ ये इंडिकेट कर रहा है नेफ्थलीन रिंग, दैट मीन्स नेफ्थलीन एंड इमिडाजोलिन साथ में मिलकर देंगे नेफाजोलिन। चेक करते हैं, सो सबसे पहले मैं बनाऊंगा, यहाँ पे बनाता हूँ साइड में, ये रहा एच, दिस इज माय इमिडाजोलिन, राइट है, एक ही डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड गायब हो गया, एन एन इमिडाजोल होता तो यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट, इधर से बाहर निकालूंगा CH2, और ये CH2 अटैच्ड है नेफ्थलीन रिंग को।
सो दिस इज नथिंग बट नैफ्थलीन, ये नैफ्थलीन रिंग हो गया, एंड इतना जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट इमिडा जोलिन, तो ये रहा यहाँ से जोलिन पार्ट, यहाँ से आ रहा है नैफ्थलीन इमिडाजोलिन मिक्सचर इज गिविंग मी नैफाजोलिन। स्ट्रक्चर नंबर टू, स्ट्रक्चर नंबर टू किसके ऊपर है, जाइलो मेटाजोलिन, जाइलो मेटाजोलिन। क्या करूंगा, सबसे पहले बना लेता हूँ इमिडाजोलिन, ये बन गया इमिडाजोलिन। नेक्स्ट बाहर निकाल लो सी एच टू, सी एच टू के ऊपर एक आपको ड्रॉ करना है, इसके ऊपर या इसके नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक रिंग ड्रॉ करना है उस रिंग के एग्जैक्टली सामने, मतलब पहला पोजिशन भी सी एच टू जहाँ अटैच है उसके पहला पोजिशन में अपने को लेकर आना है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, मतलब क्या सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, एंड इस सी एच टू जहाँ ये सी टू अटैच है उसके आजू बाजू यहाँ और यहाँ मुझे चाहिए सी एच थ्री सी एच थ्री। दिस इज जाइलो मेटाजोलिन, क्लियर है, जाइलो मेटाजोलिन। पहले इमिडाजोलिन ड्रॉ किया मैंने, देन सी एच टू अटैच किया जैसे हम यहाँ भी अटैच कर रहे थे, उसके बाद ऊपर जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे ले लिया रिंग को इस तरह से। देन स्ट्रक्चर नंबर थ्री, ऑक्सी मेटाजोलिन, ऑक्सी मेटाजोलिन ये कैसे ड्रॉ करूंगा, इसमें क्या क्या चेंज है, इसमें सिर्फ एक चेंज है इसे कंपेरिजन में, पहले मैं पूरा सेम ड्रॉ कर लेता हूँ जो जो सेम चीजें हैं, एन एच डबल बॉन्ड सी एच टू, देन क्या आएगा, देन रिंग आएगा, रिंग के बाद क्या आता है यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल। अब चेंज क्या है, जाइलो मेटाजोलिन के कंपेरिजन में ऑक्सी मेटाजोलिन में क्या चेंज है, OH, that's it. This is the only change. इस स्ट्रक्चर से आप डिराइव करोगे स्ट्रक्चर, ठीक है, नैफाजोलिन जाइलोमेटाजोलिन ऑक्सीमेटाजोलिन, बाकी स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट सीरीज में।